इंसानों की भगवान के प्रति आस्था और विश्वास के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन कुशीनगर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सभी को हैरान कर रहा है, जहां एक बंदर दुर्गा पंडाल में आता है, माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़ता है और उनके पास रखे प्रसाद को खाकर वहां से गायब हो जाता है। बंदर को ऐसा करते देख लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक बंदर इंसानों की तरह पूजा पाठ कैसे कर सकता है। ये पूरा मामला कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सरीसवा गांव का है। गांव के लोगों ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी नवरात्रि में गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा को रखा था। अचानक बंदर को पंडाल में आते देख मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन बंदर बिना कुछ नुकसान किए मां दुर्गा की प्रतिमा को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और फिर मां को चढ़ाए प्रसाद को ग्रहण कर वापस चला जाता है। हमारे वहाँ आज विगत कई सालों से जो है कि मूर्ति रखा जाता है, वहाँ पंडाल जो है कि बनाया गया था, हम लोग उस चौराहे पर मौजूद थे और पश्चिम तरफ से एक बंदर जो है कि आया और सबको जो है कि सारे लोग थे सबको फाड़ते हुए अंदर जो है कि पंडाल में घुसा और घुस करके करके जैसे लोग जो है कि प्रणाम करते हैं ठीक उसी तरह से आप वीडियो में भी आप देखे होंगे, वो जो है प्रणाम किए और प्रणाम करके कुछ जो है प्रसाद वगैरह रखा था माँ दुर्गा के उसमें चढ़ावा हुआ था, उस प्रसाद को जो है कि उन्होंने पाया और फिर जो है कि पुनः किसी को बिना किसी कोई नुकसान किए हुए पुनः जो है कि पश्चिम से आया और फिर पूर्व की तरफ और फिर जो है कि सीधे पैदल वो निकल गया। वो एक मिनट फिर वहाँ रुका नहीं, केवल जो है कि प्रणाम किया और जो है कि प्रसाद खाया, उसके बाद में पुनः जो है कि पूर्व की तरफ वो निकल गया। बंदर के हाथ जोड़ने के मंजर को किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर वायरल कर दिया, जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे ईश्वर का करिश्मा कह रहे हैं। लोगों का मानना है कि चाहे इंसान हो या जानवर, सभी नवरात्रि के मौके पर माता के दर्शन करना चाहते हैं और बंदर भी दुर्गा माँ के पंडाल में उनका आशीर्वाद लेने आया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।